वेलकम बैक टू द चैनल अवन टेबल। हमारी आज की रेसिपी है मलाई की सब्जी, जिसके लिए हमने एक कप मलाई लिया है जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड घर पे ही हमने छाली निकाल के यूज़ किया है। कश्मीरी लाल मिर्च, आप अगर तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। हल्दी, कसूरी मेथी, धनिया पत्ता, लहसुन और अदरक बड़े बड़े पीस में काटा हुआ है, हरी मिर्च, थोड़ी सी ऑलिव ऑयल, टमाटर, प्याज बड़े बड़े पीसेस में काटना है, इसे छोटे पीस नहीं करना है, एंड शिमला मिर्च। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम गैस पर एक कढ़ाई गर्म करेंगे, वेट करेंगे जब तक थोड़ा गर्म ना हो जाए, और फिर इसमें ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे। ऑलिव ऑयल में ऐड कर दिया है, हम इसे थोड़ा गर्म होने देंगे। अभी तेल गर्म हो गया है, इसमें हम अभी लहसुन अदरक और मिर्च ऐड करेंगे और इसे हल्के हाथों से हमें फ्राई करना है। तो अभी की सारी डिश मैं अपने भाभी की मदद से बना रहा हूँ, आप देख सकते हैं हल्के हाथों से सॉटे हमने कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा प्याज मिलाएंगे पहले, हमें प्याज को तब तक भूनना है जब तक कि हल्का पिंक ना हो जाए। मेक श्योर जब भी हम कुछ भी खाना बना रहे हों, आँच हमेशा धीमा होना चाहिए, इससे सारी सब्जी अच्छे से पक जाती है। मेक श्योर जब हम प्याज भून रहे हैं तो इसे पूरी तरह से जलाना नहीं है, अच्छे तरह से पकाना नहीं है, हल्का क्रंचीनेस उसे होना चाहिए ताकि जब ये सब्जी पूरी बन जाए तो इसे खाने का अलग ही मजा आए। अब देखिए प्याज हल्का पिंकिश हो चुका है, चलते हैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करने की ओर। हमने इसमें शिमला मिर्च डाल दिया है, शिमला मिर्च जो आप देख सकते हैं हमने बड़े बड़े ब्लॉक्स में काटे हैं, दोनों को अच्छी तरह से सॉटे करना है हमें। अब हम नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मिलाते हैं जो कि है टमाटर, और इसे हल्के हाथों से सॉटे करना है हमें। हम थोड़ा नमक ऐड करेंगे, हमें ये सारा मिक्सचर 5 मिनट तक सॉटे करना है। अब हम इसमें हल्दी मिलाएंगे, और कश्मीरी लाल मिर्च, हमें ये अच्छे से इसे मिक्स कर देना है। अब देखिए कितना टेस्टी लग रहा है बनते वक्त ही, तो जब ये बनेगा तो कितना टेस्टी होगा। आई एम श्योर आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करना चाहेंगे। ये अच्छे से भुन चुका है, अब हम मिलाते हैं इसमें मलाई, और इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है। मेक श्योर जब आप ये सब्जी बना रहे हो एग्जॉस्ट जरूर ऑन होना चाहिए, नहीं तो आप चीख चीख के परेशान हो जाओगे। देखिए सारा कुछ हम मिक्स कर रहे हैं, इनकेस अगर आप कम तीखा खाते हो तो मिर्ची जरूर से कम डालिएगा, क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्च भी मिलाया है और फिर लाल मिर्च भी मिला रखा है। सो एज अ नेक्स्ट स्टेप अब हम इसमें धनिया पत्ता ऐड करेंगे और हमें अच्छे से इसे मिक्स कर देना है। ये अच्छा से भून चुका है, आप इसका कलर भी देख सकते हैं कितना टेस्टी लग रहा है। अब हम इसमें मिलाएंगे कसूरी मेथी, हमने आपको पहले भी बताया कि जब भी कसूरी मेथी हम इसमें ऐड करते हैं दोनों हाथों उसके बीच मसल के सुरम डालेंगे। हमने कसूरी मेथी मिला दिया इसमें और इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। एंड दिस मार्क्स द एंड ऑफ द वीडियो, हमारी रेसिपी बन के बिल्कुल तैयार है। 2-3 मिनट के लिए इसे और सॉटे करें और फिर इसे आप गरम गरम रोटी, पराठे या फिर राइस के साथ भी परोस सकते हैं। आई एम श्योर आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी और आप ये बनाना भी चाहेंगे। आप जब ये बनाएंगे तो आपके घर पे इसकी मांग फिर एक दिन दो दिन नहीं हफ्ते में 7-8 दिन की जरूरत पड़ेगी। तो मेक श्योर आप एक बार जरूर ट्राई करें एंड डू लेट मी नो योर कमेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।